और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एलजी एक्शन लेने जा रहे हैं। आप नेताओं के खिलाफ एलजी एक्शन लेने जा रहे हैं, ये बात अभी सामने आ चुकी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने लीगल एक्शन लेने की ठानी है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। उसमें कौन कौन से नाम शामिल है? उसमें नाम है सौरभ भारद्वाज का, उसमें नाम है आतिशी का, उसमें नाम है दुर्गेश पाठक का और जैस्मीन शाह का। इन लोगों के नाम प्रमुखता से सामने हैं, उसके अलावा कुछ और लोग भी हैं। और इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? इसके पीछे की वजह है उनके द्वारा हाईली डिफेमेटरी और गलत आरोप लगाए जाने के लिए, उनके खिलाफ जो उनके द्वारा जो लगाए गए आरोप उसी के चलते यह एक्शन लिया जा रहा है। इन नेताओं ने हाल ही में क्लेम किया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना एक स्कैम में इन्वॉल्व हैं, जो कि 2016 जबकि डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद ये उसी दौरान ये स्कैम हुआ था और उस वक्त वीके सक्सेना चेयरमैन थे खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन के, खादी और ग्रामीण इंडस्ट्री कमीशन के चेयरमैन थे वीके सक्सेना 2016 के दौरान जिस वक्त डिमोनेटाइजेशन हुआ, और उसी वक्त के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं के द्वारा, जिसमें सीबीआई एक्शन की मांग की गई। हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, क्या ये मामला है जिसके बिहाफ पर एलजी वीके सक्सेना के द्वारा ये एक्शन की बात कही जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात की ये जो जिस तरह से उनके खिलाफ पिछले कुछ दिनों में शिकायत दर्ज कराई जा रही थी, कोशिश की जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि जो एलजी है वो जब खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे तो उस दौरान उन्होंने गड़बड़ी की है और इसके लिए जांच होनी चाहिए। तो एलजी ने इस पूरे मामले में गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, उसको लेकर लीगल एक्शन लेने का फैसला किया है और खासतौर से सौरभ भारद्वाज, सातिशी, दुर्गेश पाठक और जैस्मीन शाह, ये भी जिसमें प्रमुख हैं, उनका सीधा सा ये कहना है कि पूरे मामले को लेकर एक भ्रम और एक गलत बातें फैलाई जा रही है, करप्शन के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर लीगल कार्रवाई जो भी हो सकता है वो करेंगे, क्योंकि इस तरह की चीजों को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पूरे मामले को लेकर बड़ी गंभीरता से इस मामले को ले रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है टाइम्स ऑफ नवभारत पर कि इस जो उनके खिलाफ जो लगातार एलजी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था आम आदमी पार्टी ने, उनके नेता बार बार उन पर करप्शन के, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, तो उस पर वो लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं एलजी। 2016 का ये मामला बताया जा रहा है कि जिस मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एलजी वीके सक्सेना के ऊपर अमित आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो क्या क्या आरोप हैं जो अभी तक आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा वीके सक्सेना पर लगाए गए? देखिए, सबसे बड़ी बात की उस पूरे मामले में उस दौरान कहा गया था कि जो जब वो चेयरमैन थे तो उस दौरान उन्होंने जो घोटाले थे उसमें शामिल थे और उसमें करप्शन के सीधे सीधे उन पर करप्शन के आरोप लग रहे थे कि वो करप्शन में इन्वॉल्व है और उस दौरान उन्होंने करप्शन किया है। तो इसको लेकर जो एलजी है वो इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने बकायदा जो लीगल नोटिस जो चार बड़े नेता हैं, आतिशी, सौरभ भारद्वाज जो लोग लगातार इस बात को उठा रहे थे, दुर्गेश पाठक, जैस्मीन शाह नेता है जो लगातार इस बात को लेकर कह रहे थे, और इस बात को यही बात है कि एलजी का कहना है कि बेवजह गलत तरीके से एक धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है एलजी के खिलाफ, क्योंकि एलजी जो है आम आदमी पार्टी के सरकार के कामकाज पर जो गलत तरीके से काम हो रहा है उस पर सवाल पूछ रहे हैं, तो ऐसे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर उनका उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते, इसीलिए उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का फैसला लिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित कुमार आपका हम जुड़ने के लिए।